दोस्तों अनिल शर्मा के डायरेक्शन में बनी साल की मस्ट अवेटेड मूवी गदर 2 का ट्रेलर रिलीज हो गया है। पहले पार्ट में हैंडपंप उखाड़ने के बाद इस बार सनी देओल हथौड़ा चलाते हुए पहिया घुमाते हुए फैंस को लुभाते हुए नजर आ रही हैं। ट्रेलर ने फैंस के होश उड़ा दिए हैं। हर कोई बस इंतजार में है कि कब 11 अगस्त की तारीख आएगी और मूवी को बड़े पर्दे पर देख सकेंगे। पहले पार्ट में सनी देओल जहां अपने पत्नी अमीषा को बचाने पाकिस्तान जाते हैं, तो इस बार अपने बेटे जीते यानी उत्कर्ष शर्मा को बचाने के लिए सरहद पार करेंगे। उत्कर्ष इस बार सैनिक के रूप में नजर आएंगे। इमोशन का पूरा तड़का लगाती इस फिल्म के ट्रेलर ने हर किसी के दिल को छू लिया है। सनी ने फिल्म की कास्ट के साथ ज्यादा छेड़छाड़ नहीं की है। तो वही अब बारी इस मूवी के तीसरे सॉन्ग की, जिस सॉन्ग का टाइटल चल तेरे इश्क में रखा गया है। ये सॉन्ग एक मेलोडियस सॉन्ग रहने वाला है और दोस्तों इस सॉन्ग की खास बात तो ये है कि इस सॉन्ग को जुबिन नौटिया और नीति बोहन ने अपनी शानदार आवाज दी है। तो ऐसे में यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह सॉन्ग कितना जबरदस्त होगा। इस सॉन्ग में दोस्तों में सनी देओल और अमीषा पटेल के अलावा इस फिल्म के दो और कलाकार यानी उत्कर्ष शर्मा और सिमरन कौर भी नजर आ सकती हैं। इस सॉन्ग को दोस्तों जहां जुबिन नौटिया और नीति मोहन अपनी शानदार आवाज दी है, तो इस सॉन्ग के लिरिक्स लिखे हैं सैयद कादरी ने, म्यूजिक दिया है मिथुन ने, जो कि काफी बेहतरीन सॉन्ग रहने वाला है। फिलहाल दोस्तों आप कितना एक्साइटेड है गदर 2 मूवी के चल तेरे इश्क में सॉन्ग को सुनने और देखने के लिए कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दे और ऐसे फिल्मी न्यूज सुनने के लिए अपने चैनल फिल्मी हिंट को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।